अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। आज की क्लास में आप लॉजिक सर्किट्स बनाना सीखेंगे कि अगर कोई भी लॉजिक स्टेटमेंट दी हुई है तो आप उसको देखते हुए सर्किट कैसे बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लॉजिक स्टेटमेंट्स आपको दो फॉर्म में नजर आएगी अपने पास पेपर्स में, एक जो आपके सामने है और एक इस तरह से। तो फर्स्ट वन को हम कह सकते हैं कि ये बूलियन रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है वो एक्सप्रेशन लिखी गई है, जबकि यहाँ पे सिंपली लॉजिक स्टेटमेंट लिखी गई है। तो आपके पास पेपर्स में 2016 एंड बिफोर 2016 यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? ऑल्दो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन, आपको जैसे एक्सप्रेशन मिलेगी और आपको उसको उसको देखते हुए सर्किट बना लेना है, ठीक है? लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट दिस कन्वर्जन, ठीक है? तो सिंपली आप यहाँ पे यूं करेंगे कि x इज इक्वल टू वन, मतलब आउटपुट आपका हाई आ रहा है, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि x इज इक्वल टू, ये वन हमें मेंशन नहीं करना, ठीक है? हम नहीं चाह रहे कि बूलियन डाटा में अपनी एक्सप्रेशन को मेंशन करें, ठीक है? क्योंकि ये आपकी सिलेबस अपडेट के बाद ये रिक्वायरमेंट है कि आपको बूलियन में नहीं लिखना। अच्छा, अब उसके बाद x इज इक्वल टू वन, अच्छा आउटपुट हमारा हाई आ रहा है या लो आ रहा है, पर्टिकुलर सर्किट तो वैसे ही रहेगा। तो अब हम आ जाते हैं इस पार्ट पे, यहाँ लिखा हुआ है l इज नॉट वन। तो अब हम इसको ये कर देते हैं कि नॉट L, क्योंकि ये L इस नॉट गेट का इनपुट है, ठीक है? और नॉट वन होने का मतलब ये है कि इस नॉट गेट का आउटपुट जीरो आ रहा है, ठीक है? पहले वन था और अब जीरो आ रहा है। तो आपने जस्ट इसको लिख दिया नॉट L। उसके बाद आप लिखेंगे एंड F इज इक्वल टू वन, तो आप सिंपल F लिख देंगे, ठीक है? इज इक्वल टू वन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये इक्वेशन बना रहे हैं जब हमारा आउटपुट हाई है। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी ये सपोज किया था कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली सारे इनपुट्स हाई है, ठीक है? तो अगर सारे इनपुट्स आए तो हम उसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। जब आप एक दफा स्टेटमेंट बना लेंगे तो उसके बाद वो हाई और लो आउटपुट्स दोनों के लिए वैलिड होगी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर और लिखा हुआ, तो हम यहाँ और लिख देते हैं। देन एफ इज नॉट वन, तो अब हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पर नॉट एफ, ठीक है? उसके बाद लिखा है एंड ए इज वन, तो आप लिख देंगे एंड और ए को ए ही मेंशन कर देंगे, इनिशियली सारे इनपुट्स हाई हैं। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से फर्स्ट से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दोनों तरीके से आपके पास इक्वेशन, इसके अलावा बूलियन एक्सप्रेशन में भी आपको ये सर्किट इक्वेशन मिल सकती है। तो कोई भी फॉर्म हो आप उसको इजीली सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ही सर्किट को एक्सप्रेस करने की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है कि एक्स इज इक्वल टू ए एंड नॉट बी और नॉट बी नॉट सी एंड सी, ठीक है? और इसके आपको लॉजिक सर्किट बनाना है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक और इन्होंने ऐड किया हुआ पॉइंट, डू नॉट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द लॉजिक स्टेटमेंट, ऑल लॉजिक गेट्स मस्ट हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू इनपुट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर लॉजिक गेट के मिनिमम टू इनपुट्स होते हैं और मैक्सिमम और भी हो सकते हैं जितने आप चाहें, लेकिन इस पर्टिकुलर सर्किट में आप हर गेट के सिर्फ दो इनपुट से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है? सबसे पहले अभी डिसाइड करेंगे कि फाइनल आउटपुट पे कौन सा गेट, यहाँ पे इस एक्स पे कौन सा गेट आएगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखें ब्रैकेट्स ओपन का और या क्लोज का और ये, तो मुझे ये एंड गेट मिडल वन नजर आ रहा है। कैसे? क्योंकि ये एक सी इस एंड गेट का इनपुट है और ये सेकंड पार्ट है इस एंड गेट का, ठीक है? अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करें तो फिर ये और गेट एक मिडल गेट नजर आ रहा है, जिसके बाद इस और गेट के दो इनपुट्स ये रहे, ठीक है? आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप दो इनपुट से ज्यादा नहीं बना सकते। तो इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्दर इस सर्किट को ब्रेक करते जा रही हूँ, ड्रॉ करते हैं। तो पहले ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसको फर्दर देखेंगे कि हम इसको किस तरह से डिवाइड करते जाएंगे। तो मैं इस इनको इरेज करती हूँ। तो अब इस एंड गेट के मैंने बताया कि दो इनपुट्स हैं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंड गेट यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये आ गया एंड गेट, ठीक है? एंड गेट एक डी फॉर्म में होता है और इसके मुझे दो इनपुट्स बनाने थे, तो ये मैंने दो इनपुट्स बना दिए। अब इसके दो इनपुट्स कौन से होंगे? फर्स्ट इनपुट इज सी, तो हमने यहाँ सी से एक एक्सटेंशन ली और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा, इसके बाद दूसरा जो इसका इनपुट है इस एंड गेट का, वो एक कंप्लीट ब्रैकेट है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये इसका सेकेंड इनपुट है। अब अगर आप सेकेंड इनपुट में देखें तो आपको एक मिडिल गेट नजर आ रहा है और वो मिडिल गेट है और गेट। अब और को हाईलाइट कर लें, ठीक है? अब और के दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ये रहा और दूसरा इनपुट ये रहा। तो सबसे पहले आपने इस एंड गेट के सेकेंड इनपुट पे एक और गेट ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये और गेट आ गया, इसका ये इनपुट यहाँ से आके इसमें कनेक्ट हो गया और इसको आपने इसके दो इनपुट्स फर्दर बना दिए, ठीक है? अब एक इनपुट पे ये पूरी कंप्लीट ब्रैकेट है, ठीक है? और दूसरे इनपुट पे ये वाली ब्रैकेट है। तो मैं इसका कलर चेंज करूँ ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। अब अगर आप यहाँ देखें
तो मैं और का फर्स्ट इनपुट बनाने जा रही हूँ, वो ये वाला इनपुट है, ठीक है। अच्छा, आप कोई भी पहले बना सकते हैं। अब इस गेट यहाँ पर इस ब्रैकेट में फर्स्ट मुझे मिडिल गेट जो नजर आ रहा है वो एंड गेट है, तो हम एक और एंड गेट यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और ये एंड गेट इस और का इनपुट है, तो ये मैंने यहाँ पर आके और से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस एंड के दो इनपुट्स हैं, फर्स्ट दिस ए एंड सेकेंड दिस नॉट बी। तो हमने फर्स्ट इसके यहाँ पर दो इनपुट्स ड्रॉ कर दिए। सबसे पहले ए इनपुट बना दिया, ये आ गया ए, ठीक है। और दूसरा है नॉट बी, मतलब बी इनपुट से आपको एक नॉट गेट अटैच करना है और उसके बाद वो आप दे देंगे एंड गेट में, ठीक है। ये आपके पास और का फर्स्ट इनपुट हो गया। अब और का सेकेंड इनपुट बनाते हैं। और के सेकेंड इनपुट पे अगर आप मिडिल गेट देखें तो आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे दिस वन दिस नॉर, ठीक है। तो आपने एक नॉर गेट बना लिया है, और ठीक है ये नॉर गेट है, ठीक है। और इसके दो इनपुट्स हैं, फर्स्ट इनपुट आप यहाँ देख सकते हैं नॉर का बी है और सेकंड सी है। तो मैंने यहाँ से बी से एक कनेक्टिंग पॉइंट लिया। कनेक्टिंग पॉइंट आप जब भी लेंगे एक सॉलिड बॉल बना देंगे ताकि आप इसको ज्वाइंट को बता सकें, डिनोट कर सकें, ठीक है। सेकेंड आपने सी से लेना है, तो मैंने यहाँ से एक कनेक्टिंग पॉइंट लिया और सी से कनेक्ट कर लिया। तो ये आपने अभी सिर्फ ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, इसके बाद ये कंप्लीट पार्ट नॉट हो रहा है और फिर बी में जा रहा है। तो हमने यहाँ पर एक नॉट गेट अटैच कर दिया और उसके बाद ये पार्ट और में चला गया। तो ये कंप्लीट सर्किट है इस इक्वेशन का। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर टू डू प्रैक्टिस, एंड इफ यू फाइंड एनी क्वेरी जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।